वाली मछली के लिए 5 से 6 हैं ये दाने, इसके मेथी दाने के। ये ऑयल मैंने गरम कर लिया, आधा कप ऑयल लिए कड़कड़ाने थोड़े से, पहले से गरम है ना तो इसलिए हो गया जल्दी। और ये एक टेबल स्पून पूरा भर के मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, बहुत थोड़ा सा पानी, लाल मिर्च आधे चम्मच से थोड़ी सी ज्यादा होगी और आप अपनी मर्जी से लें, और बहुत थोड़ी सी हल्दी। ऐसे थोड़ा सा पकने दे रही हूँ, पानी डाल दिए मैंने। और ये मछली है मेरे पास आधा किलो की क्रीम, इसे मसाला मछली मसाला मैं दे चुकी हूँ, लिंक में भी दिया था मैंने जब मछली फ्राई की थी, और अलग से भी इसका मसाला दिए है, तो अगर चाहिए तो ये मसाला लगा सकते हैं आप, मछली मसाला या नॉर्मल लाल मिर्च, नमक, हल्दी, जीरा पिसा हुआ, साबुत धनिया पिसा हुआ, इस तरह की चीजें में लगा के आप थोड़ी देर के लिए इसे भी रख सकते हो, और उसके बाद फिर आप मसाले में भी अपने हिसाब से नमक मिर्च डाल के, तो इससे मैं अब इसमें डालूंगी फ्राई मसाले में जो मैंने तैयार कर लिया लहसुन अदरक के साथ। मसाले में क्योंकि लहसुन अदरक नहीं है ना, तो अब मैं इसमें मसाले में मैंने जो आपके सामने मसाला तैयार कर रही है ना, मैं इसमें डाल दिए, वो भी अच्छी तरह पक चुके हैं मसाला भी है, मिर्ची भी, तो ये मैं पीस एक एक करके डाल दी। अब मैं डाल चुकी हूँ इसपे पीस मसाले में, तो इससे मैं थोड़ी देर पकने, एक साइड से इसके जो मिर्ची है ना मसाला लगा हुआ है वो अच्छा सा ना मिक्स हो जाए, अच्छा सा पक जाए। ये मेरे पास आधा तकरीबन नींबू है, बड़े साइज में है ये, तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इसका जूस चाहिए नींबू का, कुछ इस मसाले में कचरी का भी है और कुछ ये इसका जूस, क्योंकि मछली को खटास जो है ना नींबू या टाटी या सिरका इस किस्म की चीजें चाहिए होती हैं इसके लिए। ये तकरीबन मैं बड़ा साइज, एक छोटा लीमू हो तो वो इसके लिए काफी है, मेरे पास बड़ा था तो मैंने उसे दो छोटे छोटे पीस में बनाया हुआ था, तो वो आधा लिया मैंने। अब ये इसकी साइड बदलनी है, ये एक प्याज मैंने ली है दरमियानी, उसे फ्राई कर ली है और हाथों से चूरा भी करके, तो अब मैं ये इसमें शामिल कर दी, ये भी मसाले के साथ ना अच्छा सा मिक्स हो जाएगा प्याज, और इसकी जो मसाला है इसकी ग्रेवी वो बहुत अच्छी सी बन गई। ये मैं हल्का हल्के हाथ से मछली को उल्टा पुल्टा कर रही हूँ, तो जरा ध्यान से करना, ये टूट भी जाती है मछली। वैसे तो मैंने लीमू लगाया हुआ है ना, तो उससे भी जरा ये मजबूत होती है मछली, टूटती कम है। अब मैंने दूसरी दफा फिर इसकी साइड बदल दी, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी, आग मैंने फुल की ली है। जैसे ही इसका मसाला तैयार होता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसकी बनाई कर ली, मसाला अच्छा सा भुन गया। नमक मैंने इसलिए नहीं इसमें डाला कि ये मसाले में भी नमक था जब मैंने लगाया इसमें मसाला ऊपर लगाया मछली के, और मछली को भी नमक लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने नमक भी इस्तेमाल किया। नमक देख के चेक करके फिर आप लोग भी इस तरह अगर बनाओ तो इस तरह करना। ये मैं पानी डाल दूंगी, अब यहाँ पानी आपकी मर्जी है कितना डालना है, नमक मिर्च भी अपनी मर्जी से आप डालो, तरीका मेरा होगा तो नमक मिर्च मसाला जो आप चाहो जिस तरह से कर सकते हो ये आपकी मर्जी है। अब मैं इसे पानी, एक कप तो मैंने डाल दिए, मैं इसे लंबा शोरबा जैसे होता है ना पतला शोरबा, वो तो नहीं नॉर्मल सा शोरबा बनाऊंगी, आप इसका पतला शोरबा भी कर सकते हैं जितना आपका दिल करे, कोई इसमें पाबंदी बिल्कुल नहीं। जब मैंने मछली को मसाला लगा के रखा है ना, उस वजह से मछली का कलर भी बहुत अच्छा सा हो गया, और इंशाल्लाह अच्छी भी बहुत बनेगी मजेदार सी, और टूटी तो नहीं है फिलहाल, कोशिश की है टूटे ना, नहीं तो पकाते पकाते जरूर टूटती है, चम्मच कहीं लग गया कभी कुछ हो गया, तो इस तरह करके अगर आप 2 कप से ज्यादा पानी डाल सकते हो, पसंद करते हैं तो डाल ले, तो मैं इसमें 2 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मिलते हैं फिर दोबारा 5 मिनट के बाद, दिखाती हूँ कि इसकी शक्ल क्या आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कम से कम मैंने 15 मिनट इसे पकने दिए, और हरी मिर्ची है थोड़ी सी ये इसमें चली गई, और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि पहले मसाले लगे हैं इसमें वो काफी है, ये बस हल्का सा कि अच्छी सी खुशबू आ जाए खाने में बस,
और ये तैयार है। और मजीद मैंने इसे कुछ मिनट इसे रखना है हल्की दम वाली आग पे, पकाया मैंने इसे फुल आग पे नहीं पकाया। और ये अभी फिलहाल बहुत अच्छी सी मछली है, टूटी भी नहीं है, ये आपके सामने है। ये ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करो ना तो फिर टूटती नहीं है, नहीं तो इसके कोई ना कोई ये किनारे जो इसके चमक के लग गए तो इससे भी हो सकता है, तो इससे जरा एहतियात करनी है। टूट भी गई तो खाने हमने ही है, कोई नहीं, लेकिन ये कि जरा देखने में अच्छी लगेगी कि अच्छा अच्छा सालन लग रहा है देखने में, बस ये फर्क है। तो ये तैयार है, कोई चार से तीन मिनट में से मजीद जरा दम पे रख के तो मैं चूल्हा बंद करके तो आप लोगों को डिश आउट करके दिखाऊंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, उसी से ही मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा, हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। और जिन्होंने ये मुझे कहा था कि मैं शोरबे वाली मछली बनाऊं तो वो भी देख लें कि मेरे कैसे बनी है और मैंने कैसे बनाई है, और बना के फिर आप मुझे जरूर बताइएगा। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।